पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम जो है वो हाई अलर्ट पे था कि 2-3 दिन लगातार बारिश होगी। तो कल पूरे दिन जो है वो बारिश होती रही और आज भी अभी तक लगातार बारिश है और बादल काफ़ी घिरे हुए हैं। मतलब पूरा जो चारों तरफ है कोहरा छाया हुआ है। काफ़ी रिस्की टाइम है क्योंकि इस टाइम पे रोड ब्लॉक होने का काफ़ी ख़तरा रहता है और यहाँ पे जो है पूरा जो पत्थर है वो नीचे आ गया है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है और पिछली साइड को भी 2-4 जगहों पे रोड ब्लॉक है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई कल और आज भी बारिश होगी। तो वेदर रिपोर्ट जो है वो गूगल बता रहा है कि कल दिन के बाद शायद ठीक हो मौसम। तो करीब 2 दिन लगातार बहुत धुआंधार बारिश होने के बाद आज थोड़ा बहुत हमें धूप देखने को मिली है और पहाड़ों में जो है वो बर्फ़ गिरी हुई है। आज देखते हैं मौसम कैसा रहता है। गूगल के हिसाब से अब ठीक है मौसम, फिर भी कुछ कह नहीं सकते आप गूगल का। तो आज थोड़ा बहुत मौसम ठीक है, तो आज कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ। तो आज का दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि 55-60 घंटे लगातार बारिश होने के बाद आज मौसम खुला हुआ है और आज हम ट्रैक कर रहे हैं चुलकोट से नागनी धुरा। तो लगभग 3 या 4 दिन का ट्रैक होगा ये और बहुत कुछ कवर करेंगे इस पे। कल परसों और नरसों जो लगातार बारिश हुई उसकी वजह से लाइट और नेटवर्क सब कुछ बंद था, तो आज दिन में लाइट आई है और नेटवर्क आया है। तो आज जितना जितना थोड़ा बहुत चार्ज है फ़ोन और कैमरा, उससे हम शूट करेंगे और ट्राई करेंगे कि पूरा ट्रैक निकाल लें हम। तो ट्रैक शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे लोकेशन में। तो 4 बजे के करीब हम चुलकोट धार से नागनी धुरा ट्रैक के लिए निकले हैं और आज हम जहाँ रुकने वाले हैं उस जगह का नाम है तोल्हेन। तो वहाँ पे आज हम स्टे करेंगे और कल सुबह नागनी धुरा ट्रैक के लिए हम वहाँ से ऊपर को निकलेंगे। हम 3 लोग ट्रैक कर रहे हैं साथ में, मैं और मेरा एक दोस्त है वीरेन और मेरा बड़ा भाई हरीश दा। तो अभी मॉर्निंग के 7 बजे हुए और कल हम लगभग 6:30-7 बजे जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ पहुँचे और आज ऊपर टॉप पे जाने का हमारा सीन है। तो मॉर्निंग में निकले हम 6 बजे और अभी खड़ी चढ़ाई पार करके हम इस जगह पे पहुँचे। तो नाश्ता करने तक हम शायद बकरी वालों के पास पहुँच जाएंगे और वहाँ नाश्ता करके
तब ऊपर की चढ़ाई शुरू करेंगे। अभी नज़ारा कुछ ऐसा है और अभी जो है 8 बजने वाले हैं और हम जहाँ से निकले थे वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर है टॉप पे और हमें और काफ़ी टॉप पे जाना है, बहुत ऊपर तक। ये तो पहला टॉप है, मतलब इसके ऊपर काफ़ी सारे टॉप है, तो वहाँ तक जाना है। तो रास्ते थोड़े बहुत ख़राब हैं और अभी जिस रास्ते पर हम वो थोड़ा ठीक है, लेकिन नीचे थोड़ा सा ख़राब है। अब चलते हैं, यहाँ से ऊपर का ट्रिप शुरू करते हैं। तो बीच बीच में रेस्ट करते हुए हम अभी यहाँ पहुंचे हैं और इस जगह का नाम है हुतुनधार, क्योंकि पजामा को पहाड़ी में हुतुन कहते हैं, तो इसका शेप जो है, इस धार का शेप जो है वो पजामा के टाइप का है, तो इसलिए इस टॉप का नाम हुतुनधार है। और अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस टॉप पे हमें जाना है यहाँ पे है वो, और अभी पूरे बादल लगे हुए हैं और ये पंचाचुली का सीन है कुछ, यहाँ पे भी बादल लगे हुए हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। भाई लोग फिलहाल चाय की तैयारी कर रहे हैं, जंगल के बीच में हैं हम अभी।